मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भिंड में सैनिक स्कूल खोलने का अनुरोध किया, जिस पर रक्षा मंत्री ने हामी भरी, जिसके बाद अब सैनिक स्कूल भिंड में खुलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक सैनिक स्कूल का भवन निर्माण नहीं हो जाता, तब तक किसी निजी भवन में सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति के लिए उन्होंने आग्रह किया है। मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दों को लेकर हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करने आया। अभी माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मेरी भेंट हुई है। मध्य प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल खुले और भिंड और मुरैना चंबल क्षेत्र ग्वालियर क्षेत्र ऐसा है जहां से सेना में बड़ी संख्या में जवान सेना में भर्ती होते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पूरे चंबल क्षेत्र का, ग्वालियर क्षेत्र का गौरवशाली इतिहास है। स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश सरकार ने ये मांग की कि एक और सैनिक स्कूल चंबल की धरती पर खोला जाए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी इसके लिए सहमत है, स्कूल स्वीकृत भी हो गया है, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग इतनी जल्दी बन नहीं सकती भवन, और इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया कि जब तक भवन बने, अभी भवन के लिए जमीन आवंटन हो रहा है, भवन जब तक बने तब तक किसी किराए के भवन में स्कूल चलाने की अनुमति दें। इसके लिए मैंने उनसे भेंट की थी और उन्होंने कहा है कि वो इस पे जल्दी फैसला करेंगे। दूसरे DRDO तो लगभग 50 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी ग्वालियर में, रिहायशी इलाके में डीआरडीओ का जो सेटअप था रिहायशी इलाकों में ना रहे, इसके कारण 50 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन की जरूरत थी। वो मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि रक्षा के लिए काम करता है रक्षा मंत्रालय, निःशुल्क दी है। अभी माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से, उसके बाद नितिन गडकरी जी से, फिर भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी भेंट होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।